फोन किया, हमको फोन से बुलाएं कि जैसे मैडम ये मतलब पानी जो बह रहा है इतना गंदा पानी से हम लोग नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पी रहे हैं, मेरा बच्चा बीमार पड़ रहा है, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में हम लोग को पैसा फेंकना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है, हम लोग कहाँ से लाएंगे। ये सब आप अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आप जनता जीते क्यों है? आपको जीतना ही नहीं चाहिए। जनता का यही मांग है कि हम लोग का पानी साफ चाहिए। इसका इससे पहले हम डेट हम दिए हैं, लेटर भी दिए हैं अधिकारी को, एसडीओ साहब को, डीसी साहब को, खनन विभाग को, थाना प्रभारी को, सीओ को, सबको हम लेटर दे चुके हैं 5/12/2023 को। उसके बाद 21 तारीख को 3 गाड़ी जब्त किया गया है, 2 जेसीपी, 2 ट्रैक्टर। उसके बाद मतलब उधर से आरोप आने लगा कि नहीं आप लेटर ले लीजिए पंचायत समिति से, मतलब जो पंचायत समिति भी हमको लेटर दे चुका है कदुआगढ़ा का, चाकुली पंचायत का। हम लोग चाहते हैं कि जो मिट्टी में मतलब जेसीपी से काट कर बालू मतलब ट्रैक्टर में लाद रहा है मिट्टी को और मिट्टी डाल रहा है नदी में, वो मिट्टी बह के निकल जा रहा है, उसके बाद मतलब जो बालू उनको छान कर बेचने का उन लोग का काम कर रहा है, वही हम लोग को बंद होना चाहिए बालू माफिया द्वारा। और खनन विभाग का सबसे बड़ा उनका लापरवाही है कि उनका लापरवाही के चलते मेरा इतना जनता सब कोई बीमार पड़ रहे हैं, आक्रोश में है। इस पानी से क्या होता है? इस पानी से पीते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, खुजली हो रहा है, बीमार हो रहा है, सब कुछ यही पानी। ये लाइफ लाइन है यहाँ, यही लाइफ लाइन है, ये जो इरी नदी है यही लाइफ लाइन है, यही एक साधन है। देखिए अभी वर्षा का तो टाइम नहीं है। कितना का आबादी है इसमें? 40,000 से 50,000 का आबादी है। ये अगर नहीं रोकता है तो हम लोग सड़क से लेकर मतलब जिला से पूरा पंचायत दोनों मिलकर जो नदी में बालू माफिया के द्वारा जो बालू को मिट्टी धोकर उसको माने दलाली करने का काम करते हैं, और हमारे जैसे कि गाय हम लोग को नहाने में कष्ट हो रहा है, या यही नदी का पानी हम लोग पी भी करते हैं, जैसे पीते हैं हम लोग का कोलबेंदी का आदमी पीते हैं, मामर कुदर का आदमी पीते हैं, खमार बेंदी का आदमी पीते हैं, दुर्गापुर का आदमी पीते हैं, और भी काफ़ी ग्रामीण गण इस नदी को पानी को पीते हैं। मर मालू बालू माफिया के द्वारा देखिए देख सकते हैं ये पानी को आप लोग कि कितना दूषित कर दिए हैं। इस पानी में नहाया जा रहा है ना पीने के लिए, ना गाय सब भी नहीं पी पा रहा है हम लोग का गाय। कारण क्या है? कारण है कि बालू माफिया के द्वारा जो बालू धुलाई हो रहा है, मिट्टी का धुलाई हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। काफ़ी माने दिनों से माने ये दबंगगिरी जो देख रहे हैं हम लोग का झारखंड का सरकार को कि बालू और कोयला तथा पत्थर का दलाली कर रहा है, खूब जोर दराली कर रहा है हमारे झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी। आज क्या दिक्कत था आपको? आज हमारे कोलबेंदी पंचायत के सब जनता आए थे, पानी का बहुत खराब नतीजा है, जो बीमारी हो जा रहा है, पशु पक्षी पानी पी रहे हैं, जनता सब यही पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई किए थे आज हम आगे कुछ दिन पहले हमारे प्रमुख मैडम जी तो उनके पति के ऊपर मारपीट भी किया गया था, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सब प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है। आज हम लोग कोलबेंदी क्षेत्र में है, यहाँ महिला लोग बोले कि पानी में काफ़ी दिक्कत है, इसमें आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? दिक्कत है कि यहाँ पे सब पीते हैं पानी, बीमार हो जा रहा है, शरीर में नहाने खुजली हो जा रहा है। हमारा पानी तो दमे गंदा पानी बह रहा है, गिस्टा को अपना एकदम बोई बोई पूरा पानी आ गया, हम तक छवा सिनाई लेनी खोजो तो हमरा सिनाई नहीं, घर है तो कुआं ले लोग पानी जाके घर ताता हो तो सिनाई हो गंदा पानी के जन्य हमरा पानी तो साफ करे के जन्य हमरा दिक्कत हो गई। कते साल से भेले गंदा? 2 साल से भेले। काहे की के कारण? कारण माने पानी तो साफ ना छवा पता सिना हत नहीं, पानी गंदा कहा हो रहा है, कहां हो कोने अपनी धोवो है कोने बाली धोवो है तो पानी तो धोवो है तो हम कहां जा को चले काके हम तो सेजने अपने घर या करो सबाई अपने मत करो सबाई। तो जिला प्रशासन के अवगत कराए ले कि हां।